कांग्रेस पार्टी छोड़ भाजपा का दामन थामते ही मौत की भेंट चढ़ गया निरंजन ताती। 2 साल पहले ही निरंजन की हुई थी शादी। घर में पसरा मातम परिजनों का रो रो कर हुआ बुरा हाल। झरिया थाना प्रभारी पंकज झा ने कहा, अभी तक नहीं मालूम क्या और कैसे हुआ, नहीं मिली लिखित शिकायत। रागिनी सिंह ने कहा, 24 घंटे के अंदर आरोपी नहीं हुआ गिरफ्तार तो झरिया थाने का करेंगे घेरा। मामला हुआ था, अभी तक नहीं, हमको अभी तक लिखित नहीं, देखिए ऐसे नहीं ना भी रही, अभी तक हमको मालूम ही नहीं है कि क्या हुआ कैसे हुआ। दरअसल झरिया में एक बार फिर सिंह मेंसन और रोकुल समर्थकों के बीच खूनी संघर्ष हुआ है, जिसमें निरंजन ताती नामक युवक की रिम्स ले जाने के क्रम में मौत हो गई, जबकि आधा दर्जन लोग घायल हैं। गुरुवार की सुबह झरिया थाना क्षेत्र के सिंहनगर गुलगुलिया पट्टी में बम और गोली से आसपास का इलाका दहल गया, अफरा तफरी मच गई। झड़प में आधा दर्जन से ज्यादा लोग घायल हुए थे, जिसमें 3 की स्थिति गंभीर बनी हुई है और उसमें एक रांची रिम्स लाने के क्रम में मौत हो गई। घटना की सूचना पर झरिया पुलिस मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल की है, साथ ही भारी संख्या में पुलिस बल को वहां तैनात कर दिया गया है। मौके से 5 बम, 2 खोखा, 1 तलवार बरामद हुआ है, जबकि लाठी, डंडे, ईंट पत्थर बिखरे पड़े हैं। खून के धब्बे भी हैं, लेकिन झरिया थाना प्रभारी से पूछने पर कहा कि हमें कोई जानकारी नहीं है, घटना की कोई लिखित शिकायत भी मुझे अभी तक नहीं मिली है। घटना को लेकर बताया जा रहा है कि रघुकुल समर्थक रामबाबू धिक्कार और सिंह मेंसन समर्थक धनंजय यादव गुट में झड़प हुई, दोनों से आधा दर्जन लोग घायल हुए हैं। विवाद का कारण 17 जनवरी को गुलगुलिया पट्टी के दर्जनों युवक भाजपा में शामिल होने की बात बताई जा रही है, लेकिन माना जा रहा है कि अवैध कोयला कारोबार और 2 दिन पूर्व कुछ स्थानीय सिंह मेंसन और भाजपा में शामिल हुए थे। खास बात यह है, घटना के बाद कोई बड़े अधिकारी घटनास्थल पर नहीं पहुंचे हैं, वहीं दोनों पक्षों से तनाव बना हुआ है। मौके पर पहुंची भाजपा कार्य समिति सदस्य रागिनी सिंह ने कहा कि झरिया विधायक के संरक्षण में यह घटना हुई है, डीएसपी और थानेदार की भूमिका पर भी सवाल खड़ा हो रहा है। गौरतलब है कि बीते 8 जनवरी को ही झरिया के तीसरा में सिंह मेंसन समर्थक सोनू सिंह को गोली मारी गई थी, जिसका आरोप रघुकुल पर लगा है। पूर्व डिप्टी मेयर एकलव्य सिंह पर गोली चलाने का आरोप है और उनके खिलाफ तीसरा थाने में मामला भी दर्ज किया गया है। देखिए, आज की जो घटना है बहुत दुखद घटना है, और ये कहे तो प्रशासन के लिए सबसे चुनौती और सबसे शर्म की बात है। जो कुछ ही दूर पे थाना है और थाना रहने के बावजूद भी पूरा रात कांग्रेस के कार्यकर्ता तांडव किया, तांडव मतलब कि आतंक, गोली चला, बम चला, और कारण क्या, तो हमारे मजदूर भाई, हमको लगता है 100-200 के संख्या में महिलाएं और मजदूर भाई, 200-300 संख्या में 2-3 दिन पहले कांग्रेस छोड़कर भाजपा ज्वाइन किए थे। ये भ्रष्ट सरकार को छोड़कर, जिसमें उन लोगों को कोई फायदा नहीं था, कोई विकास देखने को नहीं मिल रही थी, हमारे गरीब भाई को कुछ लाभ नहीं मिल रहा था, उन लोगों को भाजपा पर विश्वास था और भाजपा पर आस्था जताया, इसलिए उन लोगों ने भाजपा पार्टी ज्वाइन किया। यही बौखलाहट कांग्रेस के लोगों में और कांग्रेस के नेता में थी, और ज़बरदस्ती उन लोगों पर दबाव और प्रेशर, लगातार उन लोगों को धमकी मिल रही थी कि क्यों कांग्रेस छोड़ा, क्यों भाजपा ज्वाइन किया, क्या अब किसी को अपना ज़िंदगी जीने का अधिकार नहीं है, अब लोग ज़बरदस्ती भी बंधक लोग बना कर रखेंगे, और उस तरह से उनको लगातार डराया धमकाया गया, जबकि हमारे मजदूर भाई डरने वाले नहीं थे। वो लोग लगातार बोले कि मुझे भाजपा पे विश्वास है, हम लोग अब कांग्रेस में नहीं जाएंगे ऐसे भ्रष्ट सरकार में। वो लोग लगातार उन लोगों से वो पट्टा और झंडा जलाने के लिए बात बोल रहे थे कि जलाओ और फिर से जाकर
भाजपा कार्यालय में बोल कर आओ कि हम लोग इस्तीफा दे रहे हैं, और इसी को लेकर उन लोगों ने नहीं एग्री हुए तो रात में उन लोगों के एक एक महिला के साथ मार पीट और जितनी भी बच्ची थी घर से निकाल कर उनको छेड़खानी और बदतमीजी करने के प्रयास किया गया उसके साथ, और जो लोग बचाने के हमारे भाई जो आगे बढ़े उसके साथ जानलेवा हमला, चाकू और तलवार और पिस्टल यूज किया गया, जिससे तलवार आर पार किया गया। वो दो तीन लोग बहुत ही सीरियस है, जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे हैं, और इसका जिम्मेवार झड़िया थाना है जो थोड़ा ही दूरी पे है। उसके बावजूद भी उसके कान में जू तक आवाज़ नहीं गई, ये शर्म के बात है। और FIR होने के बावजूद अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। अगर गिरफ्तारी हम लोग अभी इसी मुद्दे को लेकर उसमें भी एक दुखी बात है, दुख की बात है कि एक महिला को लोगों ने बंधक बना के रखा था कि जब तक तुम लोग इस्तीफा नहीं दोगे तब तक इस महिला को नहीं छोड़ेंगे। इसी को लेकर हम उस मोहल्ले में गए थे कि देखते हैं कि कौन वो व्यक्ति है, कौन वो गुंडा है जो हमारे महिला को उठा कर रखा है। लेकिन जैसे ही मेरा नाम सुना वो भाग गया और महिला को भी छोड़ दिया। इसी को देखते हुए हम उस मोहल्ले में गए, वहाँ थाना प्रभारी पंकज जी थे। हम बोले कि ये तो बहुत शर्म के बात है कि आपके सामने इतना बड़ा घटना हुआ, ये बहुत शर्म के बात है। अगर 24 घंटे में अरेस्टिंग नहीं हुआ तो थाना घेराव हम लोग करेंगे। मैडम इतनी बड़ी घटना हुई अभी तक सिंधी DSP